कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस ही चलते हैं, है ना? इनके तो ऑनलाइन क्लास चलते हैं। वैसे तो आपका स्कूल का नाम क्या है? बारे में तो बहुत सुना है। हमारे स्कूल तो बहुत बढ़िया है। वैसे तो अगर हमारे स्कूल की विशेषता ये है कि यहाँ भारत के बहुत राज्य के बच्चे पढ़ते हैं। एक तरह से हमारे मेंस में पूरे भारत के संस्कार को देखने को मिलते हैं। माशाल्लाह, यह तो बहुत बढ़िया है। आज कौन सा दिवस है? आज सितंबर 14 है। बच्चे, इस दिवस की विशेषता क्या है? हाँ, तो हिंदी दिवस है ना? हम क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं? भारतीय संविधान में 1949 सितंबर 14 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चुनिया है, इसी या घर में ये दिन मनाता है। हाँ, हमारे बापूजी ने ही यह हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नाम निर्देश किया था। देखो, असेंबली का लिंक आया है। मुझे भी यह लिंक सेंड करो, मुझे भी आप लोगों की असेंबली देखना है। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में कुछ खास लम्हे होते हैं और ये लम्हे हमेशा यादगार भी रहते हैं। इसी तरह के यादगार कार्यक्रम के साथ आप सभी को इस वर्चुअल प्रात सभा में हम स्वागत करते हैं। मैं हूँ जोया। और मैं हूँ रश्मिया। एक नया दिन, एक नया शुरुआत है और ये शुरुआत खुदा के आशीर्वाद के साथ होना चाहिए। तो प्रार्थना गीत के लिए बुलाते हैं मोहम्मद शजीन को। और ये लक्ष्य वाहक के छात्रों द्वारा स्वागत करते हैं। तो आइए सुनते हैं स्कूल एंथम। जागे पर विज्ञान का रोशनी, अज्ञान मिटाकर आगे बढ़े हम, खिलते हैं मेम्स के भाग में। होए मत्स्वदिगार अहमोद से, जिए प्रत्न से बड़े हम। ढलाई चरित्र हमारा शिक्षात्मक, बने मन को सपनों के पंख पसाकर, खुशी से बड़े हम मेम्स के साथ। अहमोद से जिए प्रयत्न से बड़े हम। हो विदादा प्रदान करे सही और योग्य ज्ञान, दे दो हमें शक्ति और हिम्मत, न बनाओ हमें गुमराह। दुआ की आस्था में जिए या मरे हमारा दिल, अहमोद से जिए प्रयत्न से बड़े हम। बड़े हमारा दिल अच्छे इरादों से, मुक्त रहे हमारा दिल लालच से, मेहनत से हमारे सपनों को साकार करने को आशीर्वाद दो। अहमोद से जिए प्रयत्न से बड़े हम। अहमोद से जिए प्रयत्न से बड़े हम। प्रतिज्ञा हमें हमारे कर्तव्यों का याद दिलाते हैं। तो प्रतिज्ञा के लिए मैं यहाँ बुलाती हूँ लहन अहमद को। प्रतिज्ञा, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, हमें अपने देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर
हमें गर्व है। हम इसके सुयोग अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिष्य को एवं गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतीक्षा करते रहे और उनके कल्याण एवं सुख समृद्धि हमारा सुख जीत है। जय हिंद। हर दिन में कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना अच्छा होता है। सुविचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ आते हैं अमीन अबूबकर। मेरी प्यारी ममसीस, नमस्ते। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। हिंदी जन जन की भाषा है। घर भरे इस भाषा के महत्व को हमें बताने के लिए हमारे साथ है छोटे कक्षे के बच्चे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अल फाइज़ीन बिरिल्लाह अम्मा बाद। हॉनरेबल एओ शहीर अज़री, रेस्पेक्टेड पीटीए प्रेसिडेंट मिस्टर शौकत अली, अदर पीटीए एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड डियर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, सभी को नमस्कार। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि भावनाओं का एक उमड़ता नदी है। देश में करीब 77% लोग हिंदी बोलते हैं। यही कारण कि हिंदी को राजभाषा दर्जा प्राप्त है। बता दें कि 14 सितंबर
1949 को संविधान सभा द्वारा आज़ाद भारत की मुख्य भाषा के रूप में हिंदी को पहचान दी गई। साल 1952 में पहली बार हिंदी दिवस आयोजन हुआ था, तब से ये सिलसिला लगातार हुआ है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा के इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। हिंदी भाषा दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में मुख्य भाषा है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब है। घर भरी उस दिन पर आप सभी को मेरा और मैनेजमेंट की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब आदरपूर्वक हमारे स्कूल के पीटीए प्रेसिडेंट शौकत अली सर को उसके मैसेज के लिए निमंत्रित करते हैं। भाइयों, बहनों, प्यारी बच्चे, सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपका मालूम है आज हिंदी दिवस है। हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर सोचता है कि हिंदी हम लोग का राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। और 1949 को भारत को संविधान सभा ने यह राजकीय भाषा के प्रदान किया था। ये दिवस हम लोग हिंदी सिखाने का चाहिए, सीखने का चाहिए। और आपका मालूम है हम लोग का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदी मन की भाषा है, प्रेम की भाषा है, मोहब्बत का भाषा है और देश का भाषा है। और हर बच्चा लोग सोचता है, बात करता है अंग्रेज़ी में, ज़्यादा अंग्रेज़ी बात करता है, अंग्रेज़ी लिखता है। लेकिन बच्चा लोग ये करने का चाहिए, सब बच्चा बिना शर्म ने बात करने का चाहिए, हिंदी लिखने का चाहिए। आप लोग का मालूम 75 लोग भारत में हिंदी बात करता है, वो समझता है हिंदी। इधर आपके लिए मैं छोटा दो लाइन कविता सुन रहा हूँ, आप लोग खुशी देखने का। ओके, हमारे ध्यान में आओ प्रभो, आको में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर की परम ज्योति जगा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभो, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो ध्यान की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा इस ईमान हो सेवा, वसे भगजन बना देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंगो में बस जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में हिंदी भाषा का महत्व कुछ खास ही है। अब मैं घर के साथ हमारे प्रबंधक शहीर अजहरी सर को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय पीटीए अध्यक्ष, प्रिय शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, 14 दिसंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय सरकार ने 1949 में हिंदी भाषा को सरकार की आधिकारिक भाषा घोषित किया है। चूंकि हम भारतीय हैं, इसलिए हिंदी भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। इसलिए हमारे शिक्षक हमारे विद्यालय में हिंदी को
हिंदी भाषा में विशेषज्ञ बनाने के लिए हिंदी दिवस और संबंधित गतिविधियों को बहुत महत्व दे रहे हैं। मैं हमारे विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियों को संचालन के लिए हम शिक्षकों को सराहना करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर। हाय, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब हिंदी दिवस मना रहा है। हिंदी भाषा के महत्व से इसको राजभाषा का पद दिया गया है। इसी अवसर पर सभी को मेरे ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हिंदी दिवस के बारे में रिफा की एक कविता सुनेंगे। नमस्कार, मैं रिफा आज इस दिन में एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। 14 सितंबर को बस एक दिन करते हम हिंदी का गुंदार। 14 सितंबर को बस एक दिन करते हम हिंदी का गुंदार। बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे देशा भाषण ने थे। सिर्फ एक दिन मंच बना हमारे देशा भाषण ने थे। हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम महान। और अगले ही दिन समझने लगे हिंदी बोलना मैं अपना अभिमान। और अगले ही दिन समझने लगे हिंदी बोलना मैं अपना अभिमान। अंग्रेजी बोलने को वाले को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान। अंग्रेजी बोलने को वाले को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान। वह समझता अपने आंख को महान, वह समझता अपने आंख को महान। और भूल जाता है इसी अंग्रेजी ने बनाया मैं वर्षों तो गुलाब। और भूल जाता है इसी अंग्रेजी ने बनाया वर्षों तो गुलाब। सुर अरे रहा से बढ़के हुए हिंदुस्तानी इंसान। सुर अरे रहा से बढ़के हुए हिंदुस्तानी इंसान। अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान। अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान। लौट आया तेरा स्वाभिमान, लौट आया तेरा स्वाभिमान। उठ गड़ाओ गर बार बार प्रयास। उठ गड़ाओ गर बार बार प्रयास। रे हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनयास। रे हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस। रे हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रिफा। तो दोस्तों, इस समय के खास खबरें लेकर हमारे सामने आते हैं फौजान रशीद। नमस्कार, मैं हूं फौजान, आपके सामने एम्स के खास समाचार के साथ। आज 14 सितंबर पूरी भारत धूमधाम से हिंदी दिवस मना रहे हैं। भारत के हर सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि जगह में रंग बिरंगे कार्यक्रम के साथ हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारे मेंस में भी आज ऑनलाइन में हिंदी दिवस मना रहे हैं। भारत में विविध भाषा होते हुए भी हिंदी ने अपने कड़ी माँ से राजभाषा का दर्ज हासिल किया। इस अवसर में हिंदी के महत्व देने के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में खुदा के विदा से पूछते हैं, उन्होंने बहुत सारे विदेश में काम किया है। नमस्कार, आप कौन कौन सी देश में काम किया है? अच्छा, मैंने सबसे पहले भारत में अध्यापक का काम किया। हाँ। 2 साल के बाद मैंने ओमान गया। वहाँ विविध कंपनियों में विविध पदों पर काम किया। कितने साल वहाँ काम किया है? वहाँ मैंने 38 साल काम किया। ठीक है। इस समय लोगों के बीच में हिंदी भाषा का उपयोग कैसे थे? अच्छा, वहाँ के लोग अरब और अंग्रेजी बोलते थे। हाँ। लेकिन कुछ ही लोग हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा जानने से क्या लाभ है? अच्छा, हमें हिंदी जानना चाहिए क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। हाँ। हमें हिंदी सीखने की कोशिश करना चाहिए। ओके। भारत में कितने संस्थान में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं? मुझे लगता है
हाँ या ना। ओके, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसके साथ हमारा समाचार खत्म होता है। धन्यवाद। अब हम एक मजेदार बाल गीत सुनेंगे। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सियानी, रंग बिरंगे पाग सजीले लाल गुलाबी नीले पीले। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सियानी, फूल फूल पर जाती हो गुन 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 गाती हो, कली कली पर मुड़ जाती हो मीठा मीठा सा पीकर उठ जाती हो। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सियानी, अपने कोमल पांग दिगाती हो सबको उनसे सहलाती हो। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सियानी, इस बगीचे में आना रानी। तितली रानी धन्यवाद। हम देखेंगे ये खजाने में क्या है। भाषा के महत्व बताएंगे जेठा जी। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। वैसे तो सबको पता है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन कुछ ही लोगों को ही पता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा सन 2018 से, जब महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के प्रस्थान दिया था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा सन 1918 से है, जब महात्मा गांधी ने हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बुलाया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में दर्शाया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के सभी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंक किंतु अंतर्राष्ट्रीय होंगे। क्योंकि ये निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था, इसलिए इसे दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस के मायने अलग हो गए हैं। अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग की वजह से आज हिंदी भाषा का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। हिंदी दिवस को मानने के पीछे आज प्रयोजन होता है कि हिंदी के प्रयोग के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके महत्व को पहुँचाया जाए। इंग्लिश सीखना जरूरी है, लेकिन इसे डरना या फिर ना बोलने पर शर्मिंदा होना गलत है।
इसे सीखना चाहिए, लेकिन डर कर नहीं, आत्मविश्वास के साथ। धन्यवाद। अभी हमारे साथ है 9वीं कक्षा के रोशन, हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताने के लिए। सभी को नमस्कार। इस विशेष समारोह में आप सभी का स्वागत है। आज 14 सितंबर है। इस दिन को पूरी भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हम इस दिन को हिंदी भाषा के प्रति सम्मान देखने के लिए उत्साह के साथ मनाता है। हिंदी भाषा दुनिया में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं से एक है। हिंदी हमारी देश की संस्कृति और मूल का प्रतिबिंब है। भारत में आदि लोग हिंदी भाषा भाषी है, इसीलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी के आधिकारिक भाषा को रूप में स्वीकार किया जाया था। हमें अपनी आधिकारिक भाषा हिंदी के माध्यम से ही संस्कृत का जन्म है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी का भी अपनी स्थान है, लेकिन इस वजह से हम अपनी मातृभाषा को नहीं भूल सकता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हम सभी मिलकर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को बचा लो। आज हम सभी हिंदी में ही बात करेंगे। इतना बोलकर मैं मेरी चौथी प्रसंग पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। अब हम यहाँ देखेंगे अपने बच्चों के रचनाएं डिजिटल मैगजीन पर। अब यहाँ धन्यवाद भाषण के लिए बुलाते हैं। सभी को नमस्कार। हिंदी हमारा देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री माखनलाल चतुर्वेदी से लिखा गया ये वाक्य असल में सही है। आज पूरे भारतीयों के साथ हमारे मेम्स भी वर्चुअल असेंबली के साथ ये दिन मना रहे हैं, तो इसमें धन्यवाद भाषण देने का कर्तव्य मुझ पर नहीं थे, तो इसके लिए मैं हमारे पाठशाला के प्रधान आचार्य श्री कलाम सर को अपने दिल से उनके जो सहयोग हमारे साथ थे उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और फिर हमारे स्कूल के प्रबंधक श्री शहीर अजहरी सर हमेशा हिंदी भाषा के प्रगति के लिए हमारे साथ दिया है, उसको भी अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे स्कूल के पीटीए प्रेसिडेंट श्री शौकत अली, उसको भी अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो लोग ये प्रातः सभा देख रहे हैं उन लोगों को भी हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आशा है कि आप सभी को ये प्रातः सभा अच्छा लगे। जाने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आपका हमारे असेंबली कैसा था? बहुत बढ़िया था। आप सभी को हमारी तरफ से हिंदी दिवस के